ओके फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, लेकिन एनटीपीसी में आए हुए सारे क्वेश्चन, ठीक है। एनटीपीसी में जितने भी हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन था, जब अनुभा 15 की पावर 300 को 16 से भाग किया जाता है तो शेष कितना बचता है। तो देखिए, आपको इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको रिमाइंडर थ्योरम पता होने चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि रिमाइंडर या तो नेगेटिव में आ सकता है या पॉजिटिव में आ सकता है, दोनों में आ सकता है। अब तक हम जो स्कूल में हमने अब तक पढ़ा था वो ऐसे होता था कि सपोज कीजिए कि अगर मैं 5 को 3 से भाग कर रहा हूँ, अगर मैं 5 को 3 से भाग करूँ तो मेरा 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर में देखूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं 5 को 3 से भाग करता हूँ तो 3 × 6, अब की बार ये ज्यादा आ गया, हर बार हम 5 में 3 घटाते हैं, 5 में 6 गया, इस बार आ गया माइनस का 1। इसलिए लिखा कि इस बार मुझे नेगेटिव रिमाइंडर निकालना था। अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर देखता हूँ तो 5 में से जब माइनस 6 जाता है तो माइनस का 1 बचेगा। कहने का मतलब है कि रिमाइंडर या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। तो अगर आपको ये छोटा सा पॉइंट पता चल गया तो आने वाले सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल वर्बली हो जाएंगे। क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए लिखा है जब अनुभवा 15 की पावर 300 को 16 से भाग करते हैं, तो आपको जो पावर दे रखी है ना उसको तो आप भूल जाएं फिलहाल, सिर्फ इसको 16 से भाग करें। और ध्यान रखिए, ये तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, वो चीज़ें माइंड में करनी है कि जब मैं 15 को 16 से भाग करूँगा तो आप बोलेगा जाएगा नहीं तो 15 रिमाइंडर आ गया, नहीं, पॉजिटिव रिमाइंडर या नेगेटिव रिमाइंडर दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको नेगेटिव रिमाइंडर में देखता हूँ। जब मैंने 15 को 16 से भाग करा तो रिमाइंडर आ गया 16 × 16, यानी कितना ज़्यादा आ गया 15 से, 1 ज़्यादा, इसका मतलब है कि माइनस का रिमाइंडर आ गया, माइनस का रिमाइंडर आ गया है। पावर कितनी थी 300, वो पावर दोबारा लिख देंगे और बटे में 16, चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं पावर 300, ठीक है, सिर्फ 15 को 16 से भाग करके देखा माइनस 1 बचा और 16 का 16 रहने दिया और पावर माइनस 300। अब आप देखिए माइनस 1 की पावर 300, यानी माइनस 1 की पावर एक सम संख्या है भाई, ये एक सम संख्या है। तो अगर किसी माइनस 1 की पावर अगर एक सम संख्या, तो सब कुछ करने के बाद आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस का। जब माइनस 1 की पावर सम संख्या है तो आंसर आ जाएगा प्लस में। और जब मैं 1 को 16 से भाग करूं, तो या तो 1 आएगा या फिर माइनस का 15 आएगा। और ध्यान रखिएगा कि आंसर जो होता है हमेशा पॉजिटिव में लिखना पड़ता है, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना पड़ता है एग्जाम में। अगर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर एग्जाम में लिखना है तो देखिएगा आप कि 1 16 से जाएगा नहीं, इसका आंसर कितना आ गया 1। ये मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप छोटे बिल्कुल इजी वे में बताया है। मुझे पता है कईयों को आपको डायरेक्ट से पता होगा कि ये इससे एक कम है तो डायरेक्ट इसका आंसर ये आता है वो आता है, ठीक है, जैसे मर्जी आपको आता था आपने करा होगा, ये मैंने आपको समझा दिया है। मैं अब इसी चीज़ को थोड़ा वर्बली करने की कोशिश करूँगा और वहाँ पर आपको आंसर बताऊँगा। अब इसी चीज़ को मैं वर्बली कराता हूँ आपको। 15 की पावर 300 फटाफट से क्या करेंगे, 15 को 16 से भाग करा, माइंड में करा, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 की पावर 300 एक सम संख्या है, सम संख्या की वजह से दोबारा से प्लस रह गया होगा, और 1 को अब प्लस 1 को अगर मैं 16 से भाग करूँ 1 ही आंसर आना चाहिए था, इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। तो आप जैसे भी मैंने समझा वैसे, और उसके बाद जो अगर आप समझ गए तो उन चीज़ों को माइंड में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। की पावर 27 / 37 को 17 से भाग करें, इसका मतलब होता है कि 17 को 16 की 17 जो है इन दोनों को भाग कर रहा होगा, ठीक है। चलिए अब वर्बली वाला करते हैं माइंड में फटाफट से। 16 को 17 से भाग करूंगा कितना आंसर आएगा, मैं नेगेटिव में आ जाएगा माइनस 1, तो लिख दिया मैंने माइनस 1 की पावर 27। ये लिख रहा हूँ मैं आपको एग्जाम में, तो अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में करते हैं तो आपको करना ही चाहिए एग्जाम में। चलो मैंने 17 को इससे भाग करा, माइनस 1 की पावर 27 आ गया। जब मैंने 37 को 17 से भाग करा, 17 × 34 कितना आ गया, 17 × 34 यानी 3 रिमाइंडर आ गया, प्लस का 3 आ गया। आप बोलेंगे कि आपने यहाँ पे माइनस में क्यों नहीं निकाला, तो ये आपकी मर्जी होती है कि एग्जाम में प्लस से निकाले या माइनस से निकाले। तो मैं देख रहा हूँ कि जब मैं 37 को 17 से भाग कर रहा हूँ तो प्लस से निकालना थोड़ा आसान है, क्योंकि कम आ रहा है, काफ़ी कम आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर काफ़ी क्लोज आ रहा है इसके। चलो अब इसको पूरा आंसर तो निकला नहीं है, बटे में 17 रहने देते हैं। अब माइनस 1 की पावर अगर 27 एक विषम संख्या है तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 27 है तो माइनस 1 आ जाएगा, जमा में 3 है, कितना आ गया प्लस का 2। और जाहिर सी बात है प्लस का 2 को अगर मैं 17 से भाग करूंगा तो दोबारा से आंसर 2 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2, ठीक है, 2 तो जाएगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 2। अब ये जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ तो पेपर में आप इतनी छोटी छोटी चीज़ थोड़ा लिखेंगे, आपको एग्जाम में फटाफट करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाते समय आपको फिर भी एक बार और पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए डिजिटल बोर्ड है मेरे पास, लेकिन जैसे या तो मेरे पे कोई सॉफ्टवेयर की कमी है, ठीक है, कि वो जैसे ऐसे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर किसी को ऐसी कोई मतलब पता हो कि या फिर जिसके जो कहीं पे ऐसे कोई वर्क करता हो
या किसी यूट्यूबर के पास ऑलरेडी कर रहा हो, टेक्निकल थोड़ा नॉलेज है, तो यार मेरे को बताएं कि वो ऐसे वाला कैसे होता है। ठीक है, आप बोलेंगे कि ये भाई डिजिटल बोर्ड जिससे लिया उससे पूछो, मैंने उससे पूछ लिया है, उसने मेरे को जो बताया है वो मुझे बड़ा लेंथी प्रोसेस लगा है। तो अगर कोई किसी का शॉर्टकट होगी पेन ड्राइव में डाल के इसमें मटेरियल और फिर ऐसे ऐसे हो जाता है, तो प्लीज़ यार मेरे को बताइएगा, मैं फ़ोन नंबर इस वीडियो में देता हूँ। अदरवाइज़ तो मैंने इसको एक नॉर्मल PDF खींची है, मतलब फ़ोटो क्लिक करके PDF में कन्वर्ट करके, और मेरे इस डिजिटल बोर्ड के अंदर PC इनबिल्ट है, तो मैंने इसको नॉर्मल कंप्यूटर पर खोला हुआ और इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी के पास वो वाला है तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास में व्हाइट बोर्ड भी अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 10 को 7 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि जिससे हम भाग करते हैं 7, यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उसके आसपास लाने की कोशिश करते हैं उसको, यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उसको इसके आसपास लाने की कोशिश करते हैं। बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। अगर मैं 3 को 3 की पावर 2 लिख दूँ, तो 9 जो कि 7 के आसपास पहुँच रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 2, लेकिन वो था कितनी? वो तो थी 10, यानी पावर कितनी रह जाएगी? 5 भाग 7। एक स्टेप ये हो गया। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 9/7 की पावर 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि 9 को जब मैं 7 से भाग करूंगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर बचा 2। जरूरी नहीं है कि हर बार नेगेटिव निकालें, जो आपका मन करे एग्जाम में वो निकाल लेते हैं। 2 की पावर 5/7। अब 2 की पावर 5 कितना होता है? हर बार ना करके 2 की पावर 5 तो हम निकाल सकते हैं ना। 2 की पावर 5 होता हमारा 32। 32 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा? 4। 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं पे भी 4 नहीं लिखा हुआ है, तो या तो क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन गलत है। तो आंसर इसका 4 रिमाइंडर ही आएगा। ठीक है, चलिए मैं एक मेथड और बता देता हूँ इसका। दूसरा मेथड ये था कि जब हम ये जो संख्या है 3 और जिससे भाग कर रहे हैं ये वाली 3, दोनों की दोनों सह अभाज्य हों, को प्राइम हो, दोनों की दोनों सह अभाज्य हों, ठीक है, को प्राइम हो, तो क्या करते हैं? को प्राइम होनी चाहिए, दोनों की दोनों अभाज्य भी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की दोनों अभाज्य भी होनी चाहिए, ध्यान रखना, सहभाज्य। तो क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली संख्या है जिससे हम भाग कर रहे हैं, वो क्या है? 7। तो 7 में से एक कम कर लो, 7 में से एक कम कर लो, कितना बचा? 6। इसकी पावर को 6 से भाग करो, 10 को 6 से भाग करा, 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना बचा? 4। जितना रिमाइंडर बचा उसको नई पावर बना दो। दोबारा देखो, अगर ये 3 और 7 दोनों सहभाज्य संख्या हैं, ठीक है, सहभाज्य का मतलब ये नहीं किसी एक पाड़े से नहीं कट रही है, सहज दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसमें से एक कम करा 6 बचा, ये जो पावर दे रखी है इसको मैंने 6 से भाग करा, 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना बचा? 4। जो रिमाइंडर बचा उसको नई पावर बना दिया और नॉर्मल क्वेश्चन अब ऐसे कर दिया। 3 की पावर 4 होता कितना हमारा? 3 की पावर 4 होता हमारा 81। ठीक है, तो 81/7 करता हूँ तो मैं देखता हूँ 11/77, देखिए है ना, 7 एकम 7 इधर 11 हो गया होगा, 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना बचा? 4। रिमाइंडर अब भी कितना आया हमारा? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा? 4 रिमाइंडर है। ऑप्शन गलत है या फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रिमाइंडर का क्वेश्चन, अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो चलिए अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो रिमाइंडर की थ्योरम एक और बता देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है 25, फिर यहाँ पे लिखा है 10 और यहाँ पे लिखा है 18, इन सारी संख्याओं को अगर चलो 7 से लेके चल लेते हैं, इन सारी संख्याओं को अगर मैं 7 से भाग करूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो जरूरी नहीं है कि आप 25 × 10 × 18 करें और फिर उसके बाद नॉर्मल बच्चों की तरह उसको भाग करके रिमाइंडर देखें, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हर मतलब छोटा तरीका भी लगा सकते हैं। वो क्या लगा सकते हैं? देखो, 7 21 4 रिमाइंडर बच गया होगा, रिमाइंडर लिख लो, चाहे पॉजिटिव लिखे चाहे नेगेटिव लिखे, वो आपके ऊपर है, मैं अभी फिलहाल पॉजिटिव लिख रहा हूँ। 7 एकम 7 कितना रिमाइंडर बचा होगा? 3। 7 × 2 = 14, ठीक है, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, ठीक है। अगर मैं 7 × 2 = 14 लेता हूँ तो 4 तो पॉजिटिव का रिमाइंडर है, फिलहाल मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ, चलो फिर दोनों से आंसर निकालेंगे। 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 48, ठीक है, मतलब अब जो रिमाइंडर आ गया उनकी फिर से गुणा कर लेंगे। 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 48, 48 को अगर मैं 7 से भाग करूँ तो कितना आंसर आ जाएगा? 7 × 6 = 42, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को अगर मैं आपस में गुणा गुणा कर लेता और 7 से भाग करता तो 6 रिमाइंडर आता, ठीक है, 6 रिमाइंडर आता। इसी क्वेश्चन को मैं नेगेटिव रिमाइंडर से आंसर निकालने की आपको दिखाता हूँ। लिखा हुआ है 25 × 10 × 18 / 7। मैं नेगेटिव रिमाइंडर से आंसर निकाल के बताता हूँ। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से निकाल सकते हैं। चलो, 7 21 पॉजिटिव आता 4, तो 7 = 28, कितना आता? -3।
ठीक है, माइनस का 3 रिमाइंडर आता है क्योंकि 2800 ज्यादा है, 7 × 2 = 14 माइनस का 4 आता, 7 × 21 यानी माइनस का 3 आता। इन सारी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, देखिए 4 × 12 = 36। अब मुझे आप बताइए 4 × 12 = 36, तीनों को मैंने गुणा करा है, आंसर माइनस का आएगा कि प्लस का? आंसर माइनस का आएगा। चलिए मैंने लिख दिया माइनस का 36, फिर से डिवाइडेड बाय 7, ये जरूरी फाइनल आंसर नहीं होता है। चलो मैं इसको सोल्व करता हूँ, कितना आंसर आएगा, सिर्फ 36 को 7 से भाग करते हैं, रिमाइंडर बताते हैं, 7 × 28 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 यानी रिमाइंडर कितना बचा होगा, माइनस का 1 है ना, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, अगर मैं सिर्फ 36 का देखता हूँ तो 7 × 5 = 35 एक रिमाइंडर, लेकिन वो माइनस पहले से लगा हुआ था इसलिए माइनस आ गया। लेकिन आंसर कभी भी माइनस में नहीं होता, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो फाइनल आंसर कैसे निकलता है, जिससे हम भाग दे रहे थे, ठीक है, जिससे हम भाग दे तो जो नेगेटिव रिमाइंडर आ गया उसमें से उस चीज़ को घटा दो, 7 में से 1 गया 6, कहने का मतलब है अगर मैं इसको नेगेटिव रिमाइंडर से करता हूँ तब भी आंसर 6 आया, जब मैंने इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से करा तब भी आंसर 6 ही आया है। तो इस चीज़ को आप इस जैसे मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन बहुत इजी दे रखे हैं, हो सकता है जब हम कुछ और एग्जाम कोई और एग्जाम दे रहे हों तो वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों का यूज़ आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 8 की पावर 10 × 9 की पावर 7 × 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है, क्या बोल रहा है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दिए हुए क्वेश्चन को मिनिमम कितना तोड़ सकते हैं, कम से कम कितना तोड़ सकते हैं वो लिख दीजिए। जैसे कि 8 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 2, अब जो पावर है वो तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। चलिए 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ मैं, चलो मैं 9 को यहाँ लिख देता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 3, ये लिखा है 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, पावर कितनी थी 7। चलो आगे लिखते हैं, 7 को क्या मैं तोड़ सकता हूँ, 7 को नहीं तोड़ सकता मैं, तो 7 का रह गया सिर्फ 7। आप बोलेंगे कि 7 × 7 = 7 नहीं, अभाज्य गुणनखंड बोला और एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, इसलिए 7 का सिर्फ 7 रह गया। चलिए अब ये मैं आपको बता देता हूँ करने का तरीका क्या था, क्योंकि ये तीनों की तीनों संख्या सेम है, अगर ये तीनों की तीनों संख्या सेम है तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 3, और पहले से कितना था 10, तो कितना आ गया 2 की पावर 30 आ गया। यहाँ पर देखें ये तीन दोनों की दोनों सेम है तो मैं ले सकता हूँ 3 की पावर 2, और पहले से यहाँ पे 7 लिखा हुआ था तो कितना हो गया 3 की पावर 7 × 14, ये लिखा हुआ है 7 की पावर 8। तो सिर्फ अब हमें क्या करना होता है, जब भी टोटल अभाज्य गुणनखंड निकालें तो सिर्फ ये जो पावर इन सबको जमा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारा 30 × 14, ये हो गया 44, 44 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 6 और 52, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 52, 52 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में हमारे है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे, ठीक है, सिर्फ पावर को सोल्व करना है, ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे हल्के हल्के तरीके से इजी वे में और बहुत स्लो वे में कराया, अदरवाइज हमें जल्दी करना होता है। देखो हमें पहले से पता है कि ये 8 × 2 की पावर 3 में जाएगा, तो 10 या 30 यहीं पे कर लेता मैं इसको, ये 3 की पावर 2 में जाएगा, 7 × 2 = 14 कर लेता और यहीं पर जमा कर लेता। लेकिन अगर यही चीज़ अलग अलग होती, सपोज कीजिए यहाँ पे इसी के फैक्टर होते, 8 की जगह पे कुछ और 18 होता, तो मैं इसको क्या लिखता, 2 × 18 लिखता, यानी 3 × 3 ऐसे लिखता, तब मैं लिखता इस क्वेश्चन को कि 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 और 3 की पावर 10, यहीं पे इसी का आंसर बन जाता, 2 की पावर 10, इस वाले 3 की पावर 10, इस वाले 3 की पावर भी 10। कहने का मतलब है हमें सिर्फ पावरों से मतलब होता है, यहाँ पे 3 की पावर 2 करके 10 करूँगा तब भी 20 आएगा, या फिर अलग अलग करके कर लूँगा तब भी मेरा आंसर 20 आ जाए, मतलब इस सिर्फ इसका बता रहा हूँ, पावरों को हमें जोड़ना होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, एक सपोज कीजिए किसी के फैक्टर करके ऐसे आ गए 2 की पावर 5 और 3 की पावर भी 5 और यहाँ पे 7 की पावर भी 5, मतलब वो ऐसे थे एक किसी संख्या के, और यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है 4, तो अब क्या करना है हमें, तो इसको क्या करना है, 5 × 20 2 की पावर 20 5 × 20 और 5 × 20, तो सबकी अलग अलग भी आ सकती है और पावरों को हमें फिर जोड़ना है, ठीक है, पावरों को हम जोड़ लेंगे। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर क्वेश्चन और आता है तो मैं उस तरीके से भी समझा दूंगा। गुणनखंड का इकाई कंद, बहुत इजी क्वेश्चन है, इधर एग्जाम में अब आते भी नहीं है, चलिए ठीक है, NTPC में आया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ कि जब भी इकाई कंद निकालना हो तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जितना भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स करा रहा हूँ आपको, ये मैंने पहले से ही आर एस अग्रवाल की बुक में से क्वेश्चन हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल इसका बेसिक समझा रखा है, कायक अंक हो, गुणनखंड निकालना हो, जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, क्योंकि तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ना, तो इसका बेसिक मैं आर एस वाल की बुक में से करा रखा हूँ, आप मेरे चैनल पे जो जाएंगे
प्लेलिस्ट पे, तो वहाँ मैथ्स पे जाके आरएस वाले के सारे चैप्टर देख सकते हैं और बेसिक बिल्कुल देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेके कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्वेश्चन था दिए गए गुणनफल में इकाई का अंक निकालना था, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर ऐसे लिखा हो तो सिर्फ इकाई इकाई के अंक, सिर्फ इकाई इकाई के अंक का यूज करते हैं। देखिए इसका मतलब कितना हो गया, 1 की पावर 102, और यहाँ पे कितना, ये भी 1 लिखा है, 1 की पावर 52। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे पता है कि 1 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक 1 ही आना है, 1 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक 1 ही आना है, तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सपोज करो यहाँ पे 2 लिखा होता 3 लिखा होता तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ जो इकाई अंक लिखा हुआ है उससे मतलब होता है। अब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इकाई अंक ही आएगा, अब एग्जाम में ये भी आता है कि इकाई और दहाई यानी लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट की भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, आप वहां पर भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, ठीक है, वहां पर भी देख सकते हैं। क्या निम्नलिखित में इकाई अंक क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा, 123 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 4 की पावर 102, ठीक है, 4 की पावर 102 लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे कुछ पावर लिखा होता है तो उसको हमें 4 से भाग करना होता है, पावर को 4 से भाग करना होता है, जो रिमाइंडर बचता है उसको नई पावर बना देते हैं। चलिए अगर मैं इसको, मुझे पता है कि 4 की पावर 2 बचेगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट ही चेक होते हैं, क्योंकि 4 से भाग का रूल कहता है, जरूरी नहीं है कि आप लास्ट के 2 डिजिट देखें, आप पूरा का पूरा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी 4 से भाग करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं। चलिए हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, 4 × 8 2 = 22 4 × 5 = 20 यानी 4 की पावर 2 आ गया जमा, अब इसको करते हैं 4 × 8 2 = 23 4 × 5 = 20 यानी 3 आ गया होगा, ठीक है, वैसे भी लास्ट के 2 डिजिट देखता तो 4 की पावर 3 ही लिखना पड़ता। अब 4 की पावर 2 होता कितना हमारा, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 होता कितना हमारा 64 होता है। चलो मैं इसको सोल्ड करता हूँ, 6 × 4 = 10 हासिल लगा 1, ठीक है, जब इकाई अंक हमारा 0 आ चुका है तो मैं आगे क्यों सोल्ड करूँ, देखो 6 × 4 = 10, ठीक है, जब इकाई अंक 0 आ चुका है तो मैं आगे क्यों सोल्ड करूँ, तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम फटाफट माइंड में करना होता है, ये तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पावर -3/2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 की पावर -3/2, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर पावर जो है अगर माइनस में है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए दी गई संख्या को उल्टा करके लिखना होता है। उल्टा करने का मतलब है अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान के चलेंगे, कुछ लिखा है तो उसको उल्टा कर देते हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि 1/4 की पावर 3/2 3/2 लिख दिया मैंने। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की होल पावर 2, है ना, 1/2 की होल पावर 2, और पहले से कितनी लिखी हुई है 3/2 कट गया, ठीक है ना भाई, भाई 1 को मैं कितनी पावर लिखूं और 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, इसलिए कॉमन बना के 2 लिख दिया, ये कट गया तो कितना आ गया 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर 3 होता कितना 1/8। तो मैं देखिए फिर से आपको बोल रहा हूँ कि मैंने सोल्व जरूर करा है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन होता आपके है या किसी के भी एग्जाम में तो आपको माइंड में करनी होती चीजें, ठीक है, आपको फटाफट देना 1/4 की कॉमन करेंगे तो 1/2 की पावर 2 रहा होगा, यानी कट गया यानी 2 की पावर 3 यानी 1/8, ऐसे आपको माइंड में करना होता है, वहां पे जरूरी नहीं कि हर बार पेन ही यूज करें, छोटी छोटी चीजों को आपको माइंड में करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन लिखा है सरल कीजिए, लिखा हुआ है 0.1234, ठीक है, पहले तो मैं अगर ये ना दिया होता तो इसमें इसका आंसर कैसे निकलता, मैं ऐसे करता इसको 1 के आगे 1 2 3 4, ठीक है, अगर ये कर देता और मैं इसको लिखता 1/1000, ठीक है, इसका आंसर हो जाता 1/1000, ठीक है, लेकिन क्या है पावर क्या दे रखी है, पावर दे रखी है माइनस का 1/2, पहले तो माइनस को हटाने के लिए हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इस चीज़ को उल्टा कर देते हैं, यानी 1000 ऊपर आ गया, ठीक है, और 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये आएगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 4 और गुणा में 1/2, 2 × 4 यानी 10 की पावर 2 या 10 की पावर 2 कितना आ गया, 100 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो मैंने एक तो ये जो आपको तरीका बताया ये बेसिक तरीका बताया, ये शॉर्टकट का नहीं बताया, चलिए मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका बताता हूँ करने का, जल्दी करना है। तो आप देखिएगा कि जब भी पावर -1 लग जाएगी, जब भी पावर माइनस में लग गई तो ये तो कंफर्म है कि अगर माइनस नहीं लगी होती तो आंसर आता 1/ करके, भाई 1/ में 10000 आता, अगर पावर माइनस लगी गई है तो वो चीज ऊपर चली गई, यानी 10000 ऊपर आ गई, तो बटे के आंसर तो हो नहीं सकते थे, या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। दोबारा देखिए, अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल होता तो मैं लिखता इसको 1/10000 लिखता, ठीक है, ये अगर पावर नहीं दे रखी होती, लेकिन पावर भी दे रखी है उसके बाद माइनस में भी दे रखी है तो जाहिर सी बात है 10000 की वैल्यू ऊपर पहुंच गई होगी, यानी आंसर बटे में तो नहीं आने का। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जब अब कितना ऊपर जा चुका होगा, इसको 1/ इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/10000, इसका आंसर हो जाएगा 1/10000, 2 3 4, क्योंकि पावर माइनस में थी इसलिए
अब माइनस वाले को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर चला गया, और 10,000 का वर्गमूल होता कितना है हमारा 10,000, 1/2 का मतलब क्या था, वर्गमूल तो होता है भाई 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, 1/3 का मतलब होता है घनमूल, ठीक है, 1/4 का मतलब होता है यहाँ पे फोर्थ रूट, तो इसका आंसर कितना हो गया अगर वर्गमूल है तो 100। तो आप क्वेश्चन को जैसे मर्जी कीजिए, एग्जाम आपका है, आपको जैसे समझ में आता है या आपका खुद का कुछ क्वेश्चन करने का तरीका है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लिखा है 2 की पावर 4 भाग 2 की पावर -1। आपको मैंने बेसिक में बता रखा है पावर सेट सेट इंडिसेस के जो मैंने आपसे उसमें करा रखा है कि अगर बेस सेम है और वो है भाग, उनके बीच का निशान भाग है, बटे में लिखा हुआ है, तब पावर हमारी माइनस हो जाती है। तो इसका आंसर कितना जाएगा 2 की पावर 4 माइनस, लेकिन वो चीज पहले से माइनस लिखी हुई है, कोई बात नहीं। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 जमा 1 5, है ना, 4 जमा 1 5, यानी 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 होता कितना है 32। तो 32 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, होल्ड कीजिए, ठीक है। 7 की पावर 2 भाग 7 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर 4। तो इसका अगर मैं करूं, वही बेस सेम है और पावर बीच में अगर भाग है, बीच में भाग है तो पावर माइनस में जाती है, कोई बात नहीं, पहले इनको सोल्व कर लो भाई। 1/2 की होल पावर 4 है, गुणा हो गया होगा तो कितना हो गया 2, है ना, 7 की पावर 2। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 7 की पावर 2 माइनस का 7 की पावर 2, 2 में से 2 गया 0, यानी 7 की पावर 0, और किसी की पावर 0 होता तो आंसर आता है 1, ठीक है, किसी की पावर अगर 0 होता है तो आंसर आता है 1। दोबारा देखो, 1/2 होल पावर 4 लिखा था मैंने, काटा तो 7 की पावर 2 रह गया, यानी 7 की पावर 2 भाग 7 की पावर 2 का आंसर कितना आता है 1, ठीक है, आंसर 1 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 की पावर 2 और भाग 10 की पावर 3, वही चीज़ है, बेस अगर सेम है और वो चीज़ गुणा में है तो जमा हो जाएगी और भाग में तो माइनस हो जाएगी। चलिए करते हैं, 10 की पावर 9 जमा, क्योंकि गुणा में है 2, लेकिन ये भाग में है माइनस, 9 और 2 11, 11 में 3 गए हमारे 8, यानी 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8 कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 2 का आंसर बताएं। तो भाई अब इतना ईजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए भाई, 2 की पावर 2 होता कितना 4, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 कितना होता 64, ठीक है, 6 की पावर 2 कितना होता 36। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, वह धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी एक धनात्मक संख्या है, चलो हमने मान ली वो संख्या थी x, वो अपने ही वर्गमूल से 30 अधिक है। कोई भी एक धनात्मक संख्या थी, वो अपने ही वर्गमूल से 30 अधिक थी, वो संख्या हमें बतानी है। चलिए सोल्व करते हैं, अगर यहाँ पे रूट लग गया तो जाहिर सी बात है हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मेरे हिसाब से अगर इस टाइप की क्वेश्चन में अगर आप बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए कि ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। चलो सपोज करो हमारा पहला आंसर होता कि वो संख्या हमारी 16 थी। चलिए सोल्व करते हैं, एक धनात्मक संख्या यानी 16 अपने वर्गमूल से, इसका वर्गमूल कितना हो गया 4, क्या 16 4 से 30 अधिक है, नहीं, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मैं अगले ऑप्शन पे आता हूँ, 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 36 का वर्गमूल 6 होता है, क्या 36 वर्गमूल से 30 अधिक है, हाँ है भाई, क्या 36 जो है वर्गमूल, जो इसका आंसर है 6, उससे 30 अधिक है, हाँ है, 36 - 6 हमारा 30 ही होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ऑप्शन से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बशर्ते आप इसको बेसिक वाले मेथड से करते। तो √27 / √9 का आंसर हमें निकालना था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो पहले तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर वो चीज़ जैसे दोनों के दोनों वर्गमूल में है, जब दोनों के दोनों वर्गमूल में है तो उनका कॉमन वर्गमूल लिख सकता हूँ मैं, वो अलग अलग लिखे हुए थे, मैं इनका कॉमन वर्गमूल लिख सकता हूँ, ठीक है, कॉमन वर्गमूल लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया 3, नीचे कुछ नहीं रहा, यानी इसका जो आंसर आएगा √3 आएगा, और इसका आंसर नीचे कुछ बचा नहीं तो 1 की वजह से 1 रह गया, यानी कैलकुलेशन करने के बाद √3 और 3 का वर्गमूल कुछ होता नहीं है, तो √3 ऑप्शन में ये रहा, डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो देखिए क्या करना है आपको, दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद है, मैं दशमलव को हटा देता हूँ, उसको भूल जाता हूँ, ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन क्या हो जाएगा 25 का 25, √25 का आंसर होता है 5, √25 का वर्गमूल होता है 5, चलो मैं √25 का √25 लिख देता हूँ, और नीचे ऊपर दशमलव कितने अंकों के बाद थी 8 की, उसकी हटा के नीचे पे मैं उतनी 8 जीरो बढ़ा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो मैंने बढ़ा दिया। अब देखो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, दशमलव कितने अंकों के बाद आएगी भाई, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा नीचे 4 बार 0, है ना, आधी जाती है, तो दशमलव कितने अंकों के बाद आ जाएगी 4 के बाद, तो एक तो खुद है ही, 1, 2, 3,
0.005 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस मर्जी तरीके से कर लीजिए, ये तो मैंने आपको बाय बेसिक बता दिया। मैं आप इस क्वेश्चन को थोड़ा और जल्दी कर सकता था, देखिए जल्दी कैसे करते हैं। क्या करेंगे, 25 का 25, 25 का वर्गमूल 5, अब दशमलव कितने अंकों के बाद आएगी, जितनी बार जितने के बाद दशमलव लगी हुई है आंसर में उसकी आधी हो जाती है, 8 के बाद लगेगी तो आंसर में 4 के बाद आएगी, यानी 1, 2, 3, 4, यानी 0.005 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। चलिए रूट में, लेकिन ये रूट में नहीं है, तो पहले बता दो 144 का वर्गमूल 12 दशमलव कितने अंकों के बाद आएगी वो अब देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 4 के बाद, तो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद दशमलव आ गई, बटे में पहले से 12 लिखा हुआ था, अब इसको हम काट देते हैं, तो देखिए कितने बजे आएगा, 12 एकम 12, अब आंसर क्या आएगा, 0.0001 आएगा। देखो देखो कैसे जाएगा आंसर, कैसे निकलते, पहले पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट लिख दिया, फिर जीरो लिखा हुआ है, फिर से जीरो लिखा हुआ है, फिर क्या एक जाता है, 12 जाता है, जीरो 12 से नहीं जाता, उसकी भी जीरो, फिर पूरा का पूरा 12 जाता है, इसलिए 12 एकम 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0001। तो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया और इसमें बताया कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, ये क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में कर रखा है, ठीक है, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है कि हमें क्या संख्या दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है, तो 2 के ऐसे फैक्टर करो जिसका अंतर 1 आता हो, 2 एकम 2, अगर बीच में निशान प्लस का है, बीच में निशान प्लस का तो आंसर बड़ा वाला, बीच का निशान माइनस का तो आंसर छोटा वाला, सबका निशान प्लस का तो आंसर कितना आ गया, डी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये RSVL की किताब में भी है और मैंने वहाँ पे समझा भी रखा है डेसिमल वाले चैप्टर में, कह रहा 1/2 का आंसर ये है, इसका आंसर मुझे निकालना है, मैंने वहाँ पे शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट भी बता दूंगा और बेसिक बता दूंगा। चलिए पहले हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना था, देखिए 1/2 का आंसर ये है और इसका मुझे आंसर निकालता है, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ जिसका मुझे आंसर निकालना, मुझे आंसर किसका निकालना है, 0.0004321, मुझे इसका आंसर निकालना है। पेपर में क्या करना होता है कि देखिए ये जो दे रखा है 1/43, ये भी तो 43 किसी है, ये भी तो 4321 ही है, कहने का मतलब इसका आंसर भी यही होगा। चलिए इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना दे रखा है, 0.02314 ये दे रखा है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, ये कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ इसके एवरेज में ही होगा, मतलब इसी के आगे गुणा भाग करना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं 43.21 दिया हुआ था, अब ये हो गया है कि 0.0004321। तो बेसिक तरीका क्या कहता है कि हमें जिसका आंसर निकालना है, जिसका हमें आंसर निकालना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। अगर मुझे 43 ये जो दे रखा है यहाँ पे 43 के बाद दशमलव लगानी है, तो मैं इस नीचे वाली संख्या को किससे गुणा या भाग करूँ कि 43.21 बन जाए। तो आप देखेंगे, चलिए मैं इसको यहाँ करके कर देता हूँ, तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं इस संख्या को 5 जीरो से गुणा कर दूँ, इस संख्या को मैं 5 जीरो से गुणा कर दूँ, नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो से गुणा करते तो इसका आंसर 43.21 बन जाता है ना, मतलब जो हमें दिया था उसकी तरह उसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए हमें बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, नीचे 5 है, ये ऊपर आके गुणा में बदल जाएगा, नीचे वाली संख्या है ना, ये नीचे वाली संख्या ऊपर आके गुणा में बदल जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.02314 इंटू में 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं इस संख्या से गुणा करते तो आंसर कितना जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, देखो 5 के बाद दशमलव है, 5 जीरो ये हुई है, तो डायरेक्ट आंसर जाएगा 2314, जीरो लगाए ना लगाए तो आंसर कितना होगा, 2314 बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बाय बेसिक बताया कि इस क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आ जाए, कुछ और भी आ जाएगा, तब मैं आपको वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन का एक बेसिक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ इसी क्वेश्चन का, कि हमें ये दे रखा है इसका आंसर निकालना है, संख्या सेम है, ठीक है, दशमलव थी पहले इधर, अब दशमलव अगर लेफ्ट में चली जाए, अगर दशमलव जिसका मुझे आंसर निकालना है, जिसका मुझे आंसर निकालना है लेफ्ट में चली जाए तो करेंगे हम गुणा, अगर वो दशमलव राइट में चली जाए, अगर वो राइट में चले जाए तब हम करेंगे भाग। फिलहाल 43.21 दिया था, जिसका मुझे आंसर निकालना था, वहां दशमलव पहले 43 के बाद होनी चाहिए थी, लेकिन वो इधर चली गई, लेफ्ट साइड में चली गई है, लेफ्ट साइड में चली कितने अंकों के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, अगर लेफ्ट साइड में चली गई है जो दिया हुआ था उससे, जो दिया हुआ था उससे, तो उतने अंकों से हम गुणा कर देंगे, लेफ्ट साइड में चली जाएगी तो गुणा, राइट साइड में चली जाएगी तो भाग। ठीक है, लेफ्ट में चली गई तो गुणा है, राइट में चली गई तो भाग है, तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन जब मैक्सिमम बार ये ऐसे ही आया तो इसको गुणा कर देंगे, इसको 0.02314 को कितनों से गुणा कर दें, कितने अंकों से चली गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से गुणा कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा कर देंगे, आंसर हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सोल्व करना, यार इतना इजी क्वेश्चन आगे तो खुद ही एग्जाम में करना ही पड़ता है, उसके लिए क्या कराया जाए। देखो मैंने पहले भी बताया था, अगर वो सेम है, रूट में है, दोनों की चीज़ भाग में, तो एक जगह कर लेंगे, गुणा में तो भी एक जगह कर लेंगे, दोनों की दोनों क्यूब रूट में तब भी एक जगह कर लेंगे,
फिलहाल दोनों के दोनों वर्गमूल में है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। रूट 12 गुणा में 27, क्योंकि दोनों अलग अलग थे लेकिन थे एक ही वर्गमूल के थे तो एक जगह ले सकते हैं। तो अब इसका आंसर निकालना खुद ही है कि भाई इसको ले सकता हूँ 3 × 12, इसको ले सकता हूँ 3 × 27। आप बोलेंगे इसको नहीं 2 × 2 और भी ले सकते हैं, तो मैं इसलिए लिखा कि मुझे पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, खत्म। 9 का वर्गमूल 3 होता है, खत्म। और इन 2 3 की जगह पे 1 3 12 आ जाएगा, तो कितना आंसर हो गया, 3 3 9 9 2 18। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूट 5 का आंसर ये दे रखा है, तो रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 2 का आंसर बताएं। तो हमें क्या, ये रूट 5 का आंसर कितना दिखा हुआ है, 2.236। रूट 2 का आंसर कितना होता है, 1.414। ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद तो भाई आपको भाग ही करना पड़ेगा, ये हटा दिया, नॉर्मल भाग कर लीजिए ऐसे 2236 और 1414 से भाग कर लीजिए, और जो भी अप्रोक्सी में 1 पॉइंट के बाद, जैसे ये कितने पे जाएगा, 14 × 28 यानी 1 पे तो जाएगा कन्फर्म है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। 1 पॉइंट के बाद जैसे ही हमारा 5 पे जाए 8 पे जाए या 7 पे जाए, अब वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर निकालेंगे, ये नहीं कि पूरा का पूरा निकालें भाई, ये तो कन्फर्म है 2 पे नहीं जाएगा, कि 1400 × 1 = 1400 तो करके आंसर आएगा, 2 पे तो नहीं जाएगा। अब इन तीनों में से एक आंसर है, तो जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा मैं, उसके पॉइंट के बाद 5 पे जा रहा है 8 पे जा रहा है 7 पे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते, इसको सोल्व करना था। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में जरूर कुछ ना कुछ कॉमन जा रहा होता है। चलो मैं फ्री बता देता हूँ, 32 को क्या ले सकता हूँ मैं, 32 को 16 × 32, 32 को मैं क्या ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 × 32, रूट 32 खत्म। 50 को क्या ले सकता हूँ मैं, जिसके फैक्टर बन सकते हैं, जिसका वर्गमूल बन सकता है, मैं उसके एवेज में निकालूँ। आप बोलेंगे 10 × 50 भी तो ले सकते हैं, नहीं, मैंने ऊपर भी 16 इसलिए लिखा कि मुझे पता है कि 16 का वर्गमूल होता है, नीचे भी ऐसी संख्या होता है जिसका वर्गमूल होता है, 25 × 2। चलिए ठीक है, इधर कितना लिखा है 18, यानी 9 × 18, 9 × 2 वर्गमूल, और नीचे कितना लिखा है 8, यानी 4 × 8, 4 × 2 वर्गमूल। चलिए अब सोल्व करते हैं, ऊपर कितना आ जाएगा 4√2, और इधर रहेगा 9 की जगह पे आ जाएगा 3, है ना, ये 3√2 रह गया, और नीचे कितना आ जाएगा 5√2, और इधर कितना रहेगा 2√2, है ना, 4 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2√2 रह गया। अब दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, ऊपर देखो, ऊपर नीचे देखेंगे तो √2 कॉमन जा रहा है चारों तरफ, तो मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ, लेकिन आप ठीक है चलो कर लीजिए, √2 ऊपर भी चला गया कॉमन, √2 नीचे चला गया, तो ऊपर कितना रह गया 4 − 3, नीचे कितना रह गया 5 + 2। भाई एग्जाम आपका फटाफट से सोल्व करने कट गया, कितना आ गया 1/7, 1/7 कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो मैंने तो अभी आपको ऐसे करके दिखा दिया, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पता है, मतलब आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए या कैसे करते हैं, तो इन क्वेश्चनों के लिए मेरे ख्याल से ये वाला स्टेप छूट जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला भी छूट सकता है और ये वाला भी छूट सकता है। देखिए कैसे, बता देता हूँ मैं आपको, इस क्वेश्चन में मैं लिखता कि भाई इसका वर्गमूल बताइए 16 × 32, है ना, इसका वर्गमूल 16 × 32 4√2, यहाँ पे देखा 9 × 18, यहाँ भी √2 आ रहा है, तो मैं फटाफट से करता 4√2 और 9 × 18 का मतलब 3√2, फिर यहाँ लिखता मैं 25 × 50 यानी 5√2, और यहाँ लिखता 4 × 8 यानी 2√2। अब सब में 2√2 को मन जाएगा तो मैं यहीं पर ख़त्म कर देता उसको, ठीक है, यहीं पे खत्म हो गया, तो 4 − 3 = 1 और 5 × 2 = 7। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जिस मर्जी तरीके से करें, ऐसे करें या इससे भी फास्ट कर सकते हैं, तो आप वैसे एग्जाम में कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं था। लिखा हुआ 16√3 − 48 − 2√27 का आंसर बताएं। तो देखिए 16√3, ठीक है 16√3 लिख दिया, इसको ले सकता हूँ मैं 48 के ऐसे उसमें करें कि जिसका मुझे फैक्टर बताओ, जैसे 16 × 48 16 का वर्गमूल तो 4 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3 माइनस, अब इसका 9 × 27 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा, बाहर पहले से 2 लिखा हुआ है, बाहर पहले से 2 लिखा हुआ है, तो 9 इसको देखो, इसको लिखता हूँ 9 × 3, ठीक है, इसको हटा के तो 9 की जगह पे तो 3 बाहर आ जाता, 3 × 2 = 6 और अंदर आ गया √3। अब √3 √3 √3 है तो क्वेश्चन आसान हो गया, 16 − 4 कितना बचा 12, 12 × 6 = 6 यानी आंसर आ गया 6√3, ऑप्शन में आ गई भाई, हाँ ये रहा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है फास्ट कैसे करते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, बस आपकी मैथ पे डिपेंड करता है कि आपको कितने पहाड़े याद है, जैसे कि 3 121 का वर्गमूल 11, इसका 19, 529 23, 36 का 6 × 6 = 12। भाई सोल्व कर लो, 11 × 33 33 में से 19 गए, ठीक है लिख देता हूँ चलो फिर भी, 33 − 19 और 23 × 12 कितना हो गया, 23 × 2 = 25 25 × 10 = 35, ठीक है 33 में से 19 गए कितना आ जाएगा 20 13
13 14 14 बटा 35। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 14 बटा 35। किसी पार्ट से कट रहे हैं, 7 × 14 7 × 5 35, 2/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ नहीं करा, कैलकुलेशन करिए भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं करा है, कैलकुलेशन करिए, उसके बाद हमने आंसर निकाल दिया। 2.56 का सही व्यंजक क्या है? बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है, कहना था, कहने का मतलब था इसको मुझे बटे की फॉर्म में लिखना था। तो क्या करते हैं, दशमलव के इधर कोई संख्या लिखी तो भूल जाओ, इसका आंसर आता है 56। जितने के ऊपर बार लगा हुआ उतनी बार बटे में 9 लिख दो, 9 लिख दिया। अगर किसी पहाड़े से कट रहे तो काट दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। कट रहा किसी पहाड़े से? नहीं। अब जो मैंने इधर की संख्या को छोड़ा है वो यहाँ पे लिख दीजिए, 256/99 किस ऑप्शन में है, हाँ ठीक है। अगर कट रहा होता तो काट देता, और जो दशमलव के इधर वाला मैंने छोड़ा था उसको यहाँ लिख दूंगा। 0.0234 का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 0.0234 यानी इसका मतलब होता है पहले पूरी संख्या लिख लीजिए 0234 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो क्या थी, सिर्फ एक जीरो, बटा जितनी संख्याओं के ऊपर बार था वो कितने थे, 1 2 3, उतनी बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। और जितने के ऊपर बार नहीं था उतनी बार 0, सिर्फ एक के ऊपर बार नहीं था 1/1 बार 0। चलिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ऊपर आ रहा है 234/999। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँ तो एक बार कर ही लेते हैं, 2 × 2 = 2 × 2 = 14, ठीक है, तो और सोल्व करते और पे जाएगा, 9 × 9 = 9, 2 × 9 = 27। इधर करता हूँ, 9 से लेकर आगे मैंने जमा करके देख लिया कि 9 से भाग नहीं हो रहा, तो 9 × 5 = 45 है ना, 4 × 9 = 49, फिर से 9 × 5 = 45, 4 × 9 = 45, 13/555 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो भाई वहाँ पे हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी फटाफट से माइंड में करके, या फिर जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 0654 यानी पहले पूरी संख्या लिखनी है, 0654 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो कितना था, 06, बटे जितनी संख्या के ऊपर बार था वो थी 99, और जितने के ऊपर बार नहीं था 00। कैलकुलेशन आपके हाथ में, फटाफट से करिएगा, काट पीट के आंसर निकालिएगा, वो आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, और कोई मेथड नहीं है। अगला क्वेश्चन 126/36 यानी पहले 126/36 लिखना है, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो 126 था, बटे में कितनी संख्या के ऊपर है, 99 के ऊपर है, और 1 2 3। तो ये तो आपको फिर उसके बाद सोल्व ही करना पड़ेगा कितना आंसर आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, संख्याओं को मुझे आरोही क्रम में निकालना था। ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, रूट, यहाँ पे भी रूट, यहाँ पे भी रूट, यहाँ पे भी रूट, सारी सारी संख्या हमारी रूट में, तब आप क्या कीजिएगा, इस रूट को भूल जाइए, इस रूट को भूल जाइए, अगर सारी सारी रूट में। लेकिन अगर एक रूट में और एक क्यूब रूट में होती तब हमारे लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता, फिर हमें बेसिक पे करना पड़ता। फिलहाल अगर सारी की सारी संख्याएं एक ही चीज में दे रखी हैं तो उन रूटों को भूलते हैं और आंसर निकालते हैं। देखो अगर दो दो और रूट नहीं होता तो 2 × 11 × × × चलो 11 × 2 = 22 12 5 × 3 = 15 5 × 2 = 10। क्या किस में लिखना था, आरोही क्रम में लिखना, सबसे छोटा कौन सा, 10। 5 रूट 2 ऑप्शन में है, उसके बाद 12 4 रूट 3 ऑप्शन में है, उसके बाद हमारा 15 3 रूट 5 है, और फिर 2 रूट 11, यही हमारा आंसर हो गया, पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी रूट में ऐसी संख्या लिखी हो, जब भी रूट में ऐसी संख्या लिखी हो और किसी कोई भी अलग ना हो, सारी सारी सेम है, ये रूट में ही है, तो डायरेक्ट उनको गुणा कर लेंगे।